इस दिन के क्वेश्चन हैं कुछ इम्पोर्टेंट। हेलो सर, हिंदी सब्जेक्ट का भी सिलेबस बता दो। आप पैडागॉजी ऑफ हिंदी का बोल रहे हो, थोड़ा सा क्वेश्चन को क्लियर करो फिर दे दूंगा। पैडागॉजी ऑफ हिंदी का ही बनता होगा मेरे ख्याल में, वो दे दूंगा, लेकिन आप प्लीज़ क्लियर करना है, जरूर दूंगा। व्हेन ईटीटी एडमिशन स्टार्ट? अभी एडमिशन ना, ये एक तो कोर्ट केस चल रहा है जो फेडरेशन वाले हैं ना, प्राइवेट कॉलेज की फेडरेशन होती है, उन्होंने किया है, ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन कर दी है प्लस टू से, तो वो एक केस चल रहा है, शायद उसके कारण डिले हो रही है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि सितंबर में नोटिफिकेशन एंट्रेंस टेस्ट का हो जाएगा, मे बी 9, 10, 11 सितंबर के इर्द गिर्द हो जाए, है ना, क्योंकि पहले जुलाई डेट दी थी, अभी तक नहीं हुआ, दैट इज़ वाई प्रोबेबिलिटी शब्द यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी तक एंट्रेंस टेस्ट की डेट नहीं आई, एंट्रेंस टेस्ट होगा फिर प्रोसीजर चलेगा, कम से कम 2 महीने ये लगेंगे। अभी अभी कुछ भी नहीं है, जब भी कोई नोटिफिकेशन आती है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट नॉर्मली जो पीएचडी के स्टूडेंट है ना, वो ईटीटी करवाते हैं, इजीली मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, उनका थैंक्स आप कर देना, ठीक। तो अभी नहीं स्टार्ट हुई कोई पंजाब में, ओके। चल भैया आ गए। नेक्स्ट है सर, टीईटी के एग्ज़ाम 2022-24 के। हाँ देखिए, ये भी टीईटी का ऐसी प्रॉब्लम रही है, तो ये कोविड के वक्त तो ये 2.5-3 साल का सेशन चला है, तो अभी भी इनके एग्ज़ाम नहीं हुए। मैं एग्ज़ाम पता करके बता दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बता दूंगा। ईटीटी एंट्रेंस टेस्ट हो गया या होगा? नहीं, होना है, अभी मैंने बताया है। आई एम कन्फ्यूज, प्लीज़ टेल मी। एंड नहीं हुआ तो कदों होएगा? प्रोबेबिलिटी है कि इस सितंबर दे दूसरे या तीसरे हफ्ते विच शुरू हो जाएगा। प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑन पंजाबी यूनिवर्सिटी। हो गया है ये सर, सिलेक्शन टेस्ट मीन्स प्लीज़। अच्छा, गुड। सिलेक्शन टेस्ट टर्म बार बार यूज़ की गई है, मैंने यूज़ की है। सिलेक्शन टेस्ट है कि आप जो मान लीजिए टीजीटी, मास्टर कैडर जो बोलते हैं उसको टीजीटी, ओके, पीजीटी भी, पीजीटी, अच्छा पीआरटी भी, इवन एलिमेंट्री पीआरटी भी, पीआरटी। तो इनकी सिलेक्शन के लिए जिनका नेट क्लियर, सॉरी पीएस टेट क्लियर है पंजाब गवर्नमेंट के लिए, तो 150 क्वेश्चंस का एक टेस्ट होता है। 150 क्वेश्चन, जैसे टीजीटी आपका जो सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल मैथ्स का है टीजीटी, फॉर एग्जांपल साइंस का है, फॉर एग्जांपल आपका जो है इंग्लिश का है ना, जिस सब्जेक्ट का भी होगा, अगर मैथ्स का है तो 150 क्वेश्चन आपके मैथ्स के पूछे जाएंगे नॉर्मली। वो आपके, क्योंकि आप जो टीजीटी वाले हैं 6th से 10th तक के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन 6th से 10th पढ़ना पड़ता है, प्लस ग्रेजुएशन तक, इवन ग्रेजुएशन पीजी तक की बुक्स पढ़ के तो वो टेस्ट को क्लियर करना होता है। नॉर्मली इस टेस्ट की वेटेज 100% होती है, सभी मार्क्स इंक्लूड होते हैं, और कई बार टीईटी के जो है मार्क्स ऐड की करके कंबाइंड मेरिट बनाई जाती है, टीईटी प्लस इसके मार्क्स कितने भी। तो इसमें आपने ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होता है कि टॉप वाले बच्चे जो हैं, आप ये नहीं कहते आसान है डिफिकल्ट है क्वेश्चन कैसे हैं, टॉप जिसने भी कर लिया, टॉप वाले बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 200 पोस्ट हैं, तो टॉप वाले 200 जो पोस्ट है इन अकॉर्डेंस विद रिजर्व कैटेगरी, है ना, मान लीजिए जनरल कैटेगरी की 200 पोस्ट हैं, तो टॉप वाले जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो सिलेक्ट किए जाएंगे, वो बेशक उनके 145 145 1 कितने तक कट ऑफ जाती है ये अलग से बात है। तो ये टेस्ट होता है, ऐसे ही पीजीटी का होता है। पीजीटी के लिए टीईटी नहीं होता, डायरेक्ट सिलेक्शन टेस्ट होता है। सिलेक्शन टेस्ट मीन सिलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट जॉब टेस्ट, है ना, ऐसे ही ईटीटी वालों का भी स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह होता है उसमें, लेकिन एक सब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि इन्होंने सभी सब्जेक्ट को टीच करना होता है, दैट इज़ वाई इनमें सभी के शामिल होते हैं। तो एक एक एग्जाम्पल इनकी दे दूंगा आपको, आप कमेंट बॉक्स दे के याद करवा दोगे। तो सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट कब आओगी? ये आपकी 5 सितंबर को, 6 को डिस्क्रिपेंसी है, ये हो जाएगा। डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट 6 सितंबर को आ जाएगी, टीचर डे के बाद। फाइनल मेरिट लिस्ट और एलोकेशन ऑफ कैंडिडेट अनफिल, एलोकेशन ऑफ सीट्स टू कैंडिडेट अगेंस्ट अनफिल
फील्ड, हाँ जो खाली रह गई हैं और किसी रिजर्व कैटेगरी में खाली रह गई हैं, उन सभी को फिल करने के लिए फाइनल डिस्प्ले हो जाएगी और एलोकेशन आपको हो जाएगी, आपकी स्लिप जो है आपके कंप्यूटर से निकल आएगी बाहर, अगर आप लॉग इन करोगे तो वो 7th को होगी, 6th को फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। वापस चलते हैं यहाँ पर सर कि मैं बीएड हूँ एसएसटी कर सकती हाँ एडिशनल, मेरे को पहला टीचिंग ऑफ हिस्ट्री है। देखिए जब जो तुम करते हो बीएड, हूँ मैं ये नहीं पता कि थोड़ा 4th सैम है, जेकर 4th सैम है, सैम 4th है कहदा बीएड का, इतने मैं बीएड भी लिख दिता है। हूँ ये है पहला सैम, दूसरा सॉरी तीसरा और चौथा है ना, 1 2 3 4 इस तो बाद तुसी बीएड दा एडिशनल दे सकते हैं, इस तो पहला नहीं। हुण तुसी देख लो तुसी किस ते स्टैंड कर रहे हो, जे तुसी इत्थे हो है ना तुसी नहीं दे सकते, ग्रेजुएशन दा दे सकते हो, बीएड दा बीएड कंप्लीट होने तो बाद ही दे सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन सर कॉलेज वाले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देन लई कह रहे ने वेरीफिकेशन, इस तरह का रूल कोई है दस दो प्लीज़। देखो कॉलेज वाले जड़े ने तुसी यूनिवर्सिटी नहीं दसते, मैं कदे भी क्वेश्चन पूछना है सारे यूनिवर्सिटी दसो, एक लगता वीडियो इसे ते कड़ना पैना कि क्वेश्चन विच मैं आ चीज़ा जरूर दसूँ है ना। नॉर्मली यूनिवर्सिटी हुण ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं मंगा रही, लेकिन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो तुसी ग्रेजुएशन की हुई है जां पंजाब तो बाहरी यूनिवर्सिटी तो की हुई है, उदो मिनिमम 1 DMC जिहड़ा एलिजिबिलिटी वाला फाइनल दा ग्रेजुएशन दा DMC है वह जरूर जाता है, लेकिन कई बार वह भी नहीं मंगाते, पर यह सच है कि जेकर अजिहियां यूनिवर्सिटी तो है फिर ओरिजिनल मंगाए जा सकते हैं, पर सारे ओरिजिनल मंगाए जाएंगे ये जरूरी नहीं होएगा, चुनवे एक दो हो सकते हैं, पर लॉजिक कोई होएगा कि तुहाडी कित्थों तुसी ग्रेजुएशन की है, जेकर तुसी सेम यूनिवर्सिटी तो गुरु नानक चो ही की हुई, गुरु नानक बी एड कर लगे गुरु नानक चो ही तुसी ग्रेजुएशन की हुई है, तो किसी भी सर्टिफिकेट की फोटोस्टेट सिर्फ जाएगी, पंजाब दा है ना, सो पंजाबी दा उस यूनिवर्सिटी तो की है तो नहीं, ईवन विद इन पंजाब भी की है तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट मंगे नहीं जाते, गुरु नानक ते पंजाबी यूनिवर्सिटी का मैनू श्योर है। सो तुसी गल कर सकते हो किस परपज़ लिए चाहिए। GNDU स्टूडेंट रिटर्न कदों जाती है प्लीज़ रिप्लाई फास्ट कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट लेना, स्टूडेंट रिटर्न हजे बहुत देर पई हुई है, अच्छा मेरे ख्याल तुसी तां क्वेश्चन पूछा है, एडमिशन खत्म होनी है जिस तरह 6 आ जानी है, तुहाडी मैरिट लिस्ट 7 एलोकेट हो जाना है, मेरे ख्याल 8 to 2, 3, 8, 9, 10 है ना 11 क्लास लगनी है, सो ये बनी तुहाडी डेडलाइन, इस तो बाद भी वैसे एडमिशन चलनी है जिहड़ी तीजी काउंसलिंग दी हुई है, उस तो 1 महीना नॉर्मली लग जाता हजे डेट नहीं आई, मैं हुण ही कन्फर्म करके ये दस रहा हाँ कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की रिटर्न डेट हजे तक कोई नहीं आई, नॉर्मली तुसी मनना है तो 1 महीना तक सोच सकते हो, जो ही आती है दोबारा क्वेश्चन पूछो मैं दस सकता हाँ, कॉन्फिडेंशियल मैं पता कर लाँगा हजे जा, मैं वर्किंग आवर विच फोन करो 8427458433 ते, सर कॉलेज वालिया ने मेरा ओरिजिनल करैक्टर सर्टिफिकेट ते लास्ट सैम दी ओरिजिनल DMC क्यों रख लै रख, क्योंकि तुसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो ना की होवे ग्रेजुएशन जां पंजाब तो बारी ना होवे, जे इस तरह है तो रख सकते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी जाने ने, यूनिवर्सिटी वो वेरीफाई होके आएंगे फिर हो सकता है फिर वापस मिल जाए, एक महीनों का काम होंदा है, नॉर्मली यूनिवर्सिटी हुण जिम्मेवारी नहीं लेंदी क्योंकि गुम भी कई बार हो जाते हैं डॉक्यूमेंट फिर गड़बड़ हो जाती है, सो यूनिवर्सिटी की करती है जेकर ओरिजिनल मंगाती है क्लर्क सारे डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं उत्थे ही वेरीफाई उस वक्त करा के डॉक्यूमेंट रखते नहीं वापस आ जाते हैं, इस गल नूं समझ जाओ, इट मीनस ज़्यादा महीने नहीं लगनगे, जिस दिन उन्होंने बुलाया जाएगा वो रीजन का जिहड़ा क्लर्क हुंदा है यूनिवर्सिटी का क्लर्क जिहड़ा है उस रीजन का, फॉर एग्जाम्पल बरनाला का जो है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला च जिस दिन उन्होंने बारी होएगी वो बरनाला वाले जाते हैं है ना हफ्ता जां उन्हां कोल जाते हैं कुछ इस तरह टाइम मैनेज कर लिया जाता है, मतलब हुण महीने नहीं लगते, हाँ पहले मेरे मुँह चो निकलिया सी कि महीने लगते हैं। सर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डिटेल स्टैप बाय स्टैप दस दो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की गल कर रहे हो, DLED दी हजे तो नहीं हुई, कादी पूछ रहे हो तुसी, क्लीयर क्वेश्चन पूछना फिर मैं कुछ दस पावांगा,
सर मैंने बीए होम साइंस इलेक्टिव पंजाबी फोक आर्ट कल्चर लिए हैं। मैंने बीएड में होम साइंस और पंजाबी किया है। मुझे पीजीटी के लिए कोई एडिशनल देना पड़ेगा? अच्छा, आपका है होम साइंस है, आपकी एमएससी होम साइंस जो है वो चाहिए इसकी, और पीजीटी के लिए जाना है एमए पंजाबी चाहिए, ये एमए चाहिए, एडिशनल कोई नहीं देना पड़ेगा अगर ये रखे हैं। और इसकी भी एमएससी को क्या होती है वो देना पड़ेगा, और कोई एडिशनल नहीं देना पड़ेगा आपको, आप एलिजिबल हो। इवन आप इसके लिए तो टीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो पंजाबी के लिए। सर जी मेक ए वीडियो ऑन एडिशनल पेपर फिलिंग वन डे, केड़ी यूनिवर्सिटी मैनू दसो, यूनिवर्सिटी दस के फिर मैनू पता लगेगा उसका, फिर बढ़ा दाँगा। तो मैंने यूनिवर्सिटी जरूर दसो, है ना। सर बीएड दे कॉमन सब्जेक्ट दे टॉपिक ते वीडियो पढ़ा दो प्लीज। कितना 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 सर बीएड दे कॉमन सब्जेक्ट दे टॉपिक ते। अच्छा तुसी तुहाडी यूनिवर्सिटी केड़ी है, तुसी टॉपिक मैं कर दाँगा, ये भी कर दाँगा, ठीक है। मीडियम बाय लैंग्वेज चलेगा, मैंने कुछ सजेशन दे दो कि इंग्लिश ते हिंदी रख लवा सब दा सर जाएगा, जा इंग्लिश ते पंजाबी रखा, ये भी कन्फ्यूजन होएगा। मैं नहीं चाहता कोई भी किसी नू मैं इस तरह लैंग्वेज दे बेस ते करा, लेकिन थोड़ी एडजस्टमेंट तुहानू करनी पएगी। सर बीएड च सीसी राही किवें कर सकते हाँ? मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की डेट हजे होएगी, मैं पता कर देना, जा मैंने फोन करना, वर्किंग आवर में दस दाँगा 8427458443 ते। तुसी सीसी दे फॉर्म जाने, तुहाडा 2 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए है, और तुहाडी कोई लोअर लैवल की प्रोफेसनल क्वालिफिकेशन फॉर एग्जाम्पल ईटीटी डीएलएड, है ना, ये हुई होनी चाहिए है, तो तुसी सीसी दे जरिए कर सकते हो। अच्छा सर प्लीज़ रूरल एरिया क्लेम सर्टिफिकेट किवें डाउनलोड करना है? तुसी ये जाना आ, देखो ये तुसी गए, ये प्रोस्पेक्टस है, ये रहा कितने गया प्रोस्पेक्टस भाई, ये रहा ना प्रोस्पेक्टस, इन्हें मैं क्लिक किया कुछ भी नहीं है। क्लिक करन तो बाद लास्ट पे चल जाना है, मैं लास्ट पे ले गया इसनों, लास्ट पे बिल्कुल लास्ट पे, और लास्ट वाला जड़ा है ये वाला, हाँ रूरल एरिया है, बिल्कुल सौखा है, इस तरह कर सकते हो तुसी। ओए कितने गए, अच्छा आ जाओ। हुण है नेक्स्ट क्वेश्चन, सर प्लीज़ रूरल एरिया क्लेम सर्टिफिकेट हो गया, सो उसनों कॉपी कर लो, सब प्रिंट कर लो। सर टीईटी की प्रेपरेशन की वीडियो बना दो, सिलेक्शन टेस्ट के बारे में भी बता दो। सिलेक्शन टेस्ट दे सब्जेक्ट वाइज होना है, तुहानू सब्जेक्ट दसना पैना है, मैं वो भी कर देना है, थोड़ा जहा गड्डी चल ले, काउंसलिंग खत्म हो जाए नाल ना कर दें शुरू, सब कुछ हो रहा है, मैं थोड़ा जहा डीप चले जाना वो वीडियो बनानियां वो जड़ियाँ काफ़ी खुबी जाना खिंचना पैंता मैनू, जो कंसैप्ट मैंने पढ़िया भी है पता भी है, होर पढ़न लग पैना उसनों। सर मैं बीए विच पंजाबी इंग्लिश पोलिटिकल साइंस हिस्ट्री पढ़ी है, एमए हिस्ट्री की हुई है, बीएड च मेरा एसएसटी पंजाबी है रह गया है। सर हुण मैनू टीजीटी दी कोई एडिशनल पेपर देना पड़ेगा? बीएड विच मेरा एसएसटी है पंजाबी है, इधर तुहाडा है पंजाबी इंग्लिश पोलिटिकल साइंस भी हिस्ट्री है, बिल्कुल ठीक है, पोलिटिकल भी है हिस्ट्री भी है पंजाबी है, कुछ नहीं देना पैना, ओके है ओके रिपोर्ट, ये क्या है कुछ नहीं है। सर बीएड एडमिशन कदों तक करके भी वाल सकते हैं? गल नहीं समझ आई। सर बीएड एडमिशन कदों तक कर वा सकते हैं, कदों तक करवा सकते हैं, मतलब ये तो 2 साल दी है, 2 साल ही च ही होएगी, मैंने क्वेश्चन नहीं समझ आया, सॉरी। सर एडिशनल पेपर टीचिंग ऑफ एसएसटी पीयूपी का प्रोसेस दस दो। हाँ एडिशनल का पूछ रहे हैं, चलो मैं करदा हाँ कुछ फिर। सर मास्टर केडर का एग्जाम आफ्टर बीएड पॉसिबल है? मास्टर हाँ जो जॉब आदियाँ हैं जिदा कि जनवरी ते फरवरी, एक वीडियो कर देना, जनवरी फरवरी जॉब की प्रोबेबिलिटी बन रही है, वो एक गल जरूर दसदा, फिजिकल एजुकेशन पोस्टा ज डीपीआई दियाँ ज पीटी दियाँ, मतलब पीटी कहते हैं जेडे प्राइमरी लैवल तक फिजिकल एजुकेशन वाले, डीपी जेडे ने वो 10th तक, और टीचिंग ऑफ फिजिकल दियाँ वक्खरियाँ, ये नहीं है पता, काफ़ी पोस्टा उस दियाँ इतकी कहते ज़्यादा आ रही ने, इन्हों चो कि ज़्यादा कोई कन्फर्म नहीं है। हाँ मेरे को कोई वैलिड सोर्स ही उन्होंने मैंने दसिया, मैं पक्की जानकारी मिलने तो बाद ये दसागा, वो मास्टर कैडर दे या फिर तुसी, पर तुसी जिदा एसएसटी दे हो इंग्लिश दे हो तुसी अपनी तैयारी अज तो शुरू करनी है, पर टेट दी तो वो नाल नाल करनी है, मैं थोड़ा जहा करदा बिजी चल रहा हाँ,
मैं करदा दसदा हाँ तुहानू परस्यूइंग बी एड च मास्टर किड का एग्जाम वैलिड है नहीं 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 वैलिड नहीं वैलिड तुसी कुछ इदा कर सकते हैं कि तुसी क्योंकि ऑनलाइन फिलिंग होंगी है तुसी अपीयर हो सकते हैं सिर्फ ये देखने कि एग्जाम की है वो मेरे वालों इदा सुजैशन है तुसी कोई क्लेम वगैरह नहीं कर सकते कि मैं है ना अदरवाइज नहीं अपीयर हो सकते इसका सीधा उत्तर यह है सर एक क्वेश्चन तो मैं इस साल ही एडमिशन ली है सी टेट या पी एस टेट हम कब से मीन्स आफ्टर फर्स्ट सेमिस्टर भर सकते हैं क्या प्लीज़ नहीं भर सकते नहीं है जब आपने एडमिशन ले लिया अभी भी भर सकते हो आज भी भर सकते हो अगर आपकी आज एडमिशन हुई है तो आज ही फिल कर सकते हो अगर निकला है फॉर्म यू आर एलिजिबल है ना नेक्स्ट है सर बी एड रेगुलर के साथ ओपन एमए कर सकते हैं भी इग्नो वगैरह से कर सकते हैं लर्न टू एक्चुअलाइज यूनिवर्सिटी क्या है चूज एडिशनल पेपर अच्छा मेरे ख्याल में हो गया प्लीज़ एक वीडियो टी ई टी दे फुल हाई रब्बा सच बनानी सी हाँ ये भी बना देना ये भी बनानी सी ठीक है सर एडिशनल पेपर क्लैश हो जाते भी बी एड पेपर विच वी शुड वी गिव प्लीज़ बी एड तो बी ए का क्लैश हों बी एड का छड़ देना है बी ए का जरूर देना है क्योंकि बी एड का बी ए का जे ना दिता तो छे छे पेपर गए फेल का रिजल्ट आएगा सर प्री एडिशनल सब्जेक्ट फोन तो यार ये मेरे को हाँ मैं करदा हाँ लर्न एक्चुअलाइज आई एम बी एड विद साइंस मेजर सब्जेक्ट बट आई हैव नो नॉलेज अबाउट बी एड सब्जेक्ट हाउ मैनी सब्जेक्ट इन बी एड एंड प्लीज़ गाइड मी आप तुसी कादे बारे पूछ रहे हो यार मैं समझ नहीं आया एक्सटर्नल तुसी बस यूनिवर्सिटी दसो मैं दस दाँगा सारा कुछ दसागा जी तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है तो तुहानू उत्थे तुहानू देख लियो कौन देखने को मिलना चलो मैं करदा हाँ काइंडली क्लीयरली इंडीकेट दैट टॉपिक वीडियो अच्छा सर मेरा फर्स्ट काउंसलिंग विच नेम आ गया सी कॉलेज अलॉट हो गया सी पर मैं उत्थे एडमिशन नहीं लिया मैं सैकेंड काउंसलिंग विच फिर कर सकते हैं अच्छा कई दे नॉट एलिजिबल आंदा सी लेकिन वो थर्ड काउंसलिंग उन्होंने प्रोबेबिलिटी है अदरवाइज ईमेल जरूर करो नॉट एलिजिबल उन्होंने आंदा सी मोस्टली जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई सी लेकिन उन्होंने फीस 1000 सैकेंड काउंसलिंग जाने फिल नहीं सी की सर प्लीज़ इस टॉपिक पे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी स्पेशल वीडियो बना दो क्योंकि हाँ आ रही है वीडियो आ रही है मेरे ख्याल रिपीट होने लग पे क्वेश्चन इट्स ओके